दोस्तों नमस्कार आज 22 जून सन 2022 मैं कर्नल अजय सी ओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 22 जून सन 2022 आज की एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सितार राशिफल एग्रो कमोडिटीज़ में क्या होने की संभावना है शेयर बाज़ार में क्या रह सकता है साथ साथ नॉन एग्रो कम्योडिटीज़ में क्या रहेगा सबसे पहले राशिफल भारतीय ज्योतिष में बारह राशियों को चार तत्वों में डिवाइड किया गया है अग्नि पृथ्वी वायु और जल अग्नि तत्व की होती हैं तीन राशियां एक पाँच नौ यानी मेष सिंह और धनु राशि दिन आपके लिए आज अच्छा रह सकता है लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं पृथ्वी तत्व की होती हैं तीन राशियां दो छः दस यानी वृषभ कन्या और मकर राशि दिन आपके लिए आज संभवतः मुफीद ना रहे परेशानियां बढ़ सकती हैं लिए वे निर्णय एक बार पुनः जांच लें तीन सात ग्यारह यानी मिथुन तुला और कुंभ राशि आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावना है चार आठ बारह यह है जल तत्व की राशियाँ कर्क वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं तो दोस्तों ये था आज का राशिफल अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएँ बन सकती हैं मसाला पैक के अंदर धनिया तेज़ी की राह दिखा सकता है गौरतलब है कि हमने आपको कल भी धनिए के अंदर खरीदारी की सलाह दी थी जो कि अक्सर सत्य साबित हुई शानदार तेज़ी दर्ज हुई धनिए के अंदर तेज़ी दर्ज हो सकती है साथ साथ गवार सीड भी तेज़ी दिखा सकता है गवार सीड और गवार गम दोनों में तेज़ी की संभावनाएं आज के दिन बन सकती है गौरतलब है आज से दो दिन पहले जब गवार सीड में ज़बरदस्त गिरावट थी उस वक्त हमने आपको गवार सीड में धैर्य रखने के लिए कहा था और शानदार मोमेंट बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आगे गवार सीड में क्या होगा उसके लिए विशेष एपिसोड के लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हैं इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण कमोडिटी हल्दी के अंदर आने वाले समय में उतार चढ़ाव रह सकता है इसके अतिरिक्त तिलहन के अंदर सोयाबीन एवं सरसों के अंदर आने वाले दो से तीन महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं क्या इसमें तेज़ी रहेगी या मंदी इसकी इसके लिए हमारे अगले विशेष एपिसोड के लिए का आप इंतज़ार करें तो गौरतलब है कि हमने आपको जनवरी 2021 के अंदर जब एन के ऊपर सोयाबीन और सोया तेल पर रोक लगी थी उस वक्त आपको धैर्य रखने के लिए कहा था और चेक कीजिए फरवरी मार्च में सोयाबीन एंड सोया तेल ने शानदार जबरदस्त तेजी दर्ज हुई एक हज़ार बीस रुपये का सोया तेल सत्रह सौ रुपये तक बिका ये जब था जब स्टॉक लिमिट एनसीडेक्स पर रोक और ड्यूटीज़ की कमी की घोषणा सरकार ने की थी अब आने वाले समय में सोयाबीन सरसों में क्या महत्वपूर्ण मुँह होंगे क्या बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा या फिर तेज़ी बनेगी हमारे अगले विशेष एपिसोड पर आप जरूर नज़र रखिए यह था आज का एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर विश्लेषण कवाड सीड में तेजी धनिया में हो सकती है तेजी अब स्टॉक मार्केट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आज मिला जुला रख रह सकता है गिरावट की संभावनाएं अधिक हैं लेकिन चंद स्टॉक्स के अंदर आप मूवमेंट्स भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण रहेगा कि आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की, की अग्रणी कंपनियां इंफोसिस और टीसीएस पर रखिए नज़र मोमेंट बन सकती है तेजी की लेकिन कच्चे तेल की गिरावट का असर भी रिलायंस इंडस्ट्री पर पड़ सकता है वो गिरावट की ओर अग्रसर हो सकती है सावधान रहें दोस्तों नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर बुलियन और मेटल के अंदर उतार चढ़ाव की संभावनाएँ आज बन सकती है अतिरिक्त सावधानी रखना उचित रहेगा तो दोस्तों ये था बाज़ार का आज का राशिफल एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर संभावनाएं शेयर बाज़ार में क्या होने की संभावना है ये सब का विशेष विश्लेषण आप हमारे अगले शो को ज़रूर वॉच कीजिए एक और महत्वपूर्ण बात यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऑल द वेरी बेस्ट गुड लक हैप्पी ट्रेडिंग